नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे शीट साइजेस के बारे में, जो ड्राइंग के अंदर हम यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, मशीन ड्राइंग में। मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर लाइन क्या होता है, और टाइटल ब्लॉक हम किस तरह से बनाते हैं, कौन सा जो स्टैंडर्ड साइज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जो शीट के साइज है अकॉर्डिंग टू BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो कौन कौन से उन्होंने स्टैंडर्ड तय किए हैं, तो शीट डेजिग्नेशन के अंदर हमने ले लिया है A0, A1, A2, A3, A4, A5। यहाँ पर ये ट्रिम्ड साइज दिखाया गया है, यहाँ पर ये अनट्रिम्ड साइज है। अब ये ट्रिम्ड साइज क्या है, अनट्रिम्ड साइज क्या है, देखिए जो शीट आती है वो अनट्रिम्ड साइज में आती है। जैसे मान लीजिए ये शीट है, तो ये थोड़ी बड़ी शीट आती है, लेकिन जो इनका एक्यूरेट साइज होता है उसको हम ट्रिम्ड साइज बोलते हैं। ये बड़ी क्यों आती है, अनट्रिम्ड क्यों आती है, ताकि जब आप इस पे काम करें तो इसके कुछ ये जो कॉर्नर हैं, ये जो इसके एजेस हैं, ये काम करते समय मुड़ जाते हैं, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो उनको हम ट्रिम कर सकें। तो इसलिए ट्रिम साइज यहाँ पर दिया गया है कि अनट्रिम साइज पे आपने काम किया मान लीजिए, तो आप उसको इतना ट्रिम कर सकते हैं। तो अनट्रिम साइज जो है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इतना होता है, जिसको हम ट्रिम करके इतना बना सकते हैं बाद में, ताकि जो शीट है हमारी साफ सुथरी रहे, कॉर्नर उसके साफ सुथरे रहें, इजिली आप उसको स्टोर कर सकें। जैसे ये अनट्रिम्ड साइज है, अगर आप ट्रिम साइज देखेंगे तो ये हमने रेड कलर की लाइन में दिखाया है कि ये इसका ट्रिम साइज है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए जैसे शीट डेजिग्नेशन A0 है, A0 के लिए जो ट्रिम साइज दिया गया है ये है लेंथ इंटू जो विड्थ है वो दी गई है। तो लेंथ क्या है हमारी, यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज है ये लेंथ है। ये किसके लिए है, इसके अंदर भी लेंथ इंटू विड्थ दी गई है, ये अनट्रिम्ड के लिए है। और अगर ये लेंथ देखें, ये वाली लेंथ, तो ये किसके लिए है, ये ट्रिम्ड के लिए है। तो इस तरह से ये जो विड्थ है, ये जो विड्थ दी गई है, ये किसके लिए है, ये विड्थ है अनट्रिम्ड के लिए। और अगर हम इतनी देखेंगे, इतनी ये विड्थ है ट्रिम के लिए, यानी कि जो ट्रिम्ड साइज है कट करके आएगा। अब इसका एग्जाम्पल लें, अगर मान लीजिए ये ले लें कि A1 हमने शीट ली, हम मान लेते हैं, तो जो अनट्रिम्ड साइज होगा वो कितना होगा उसका, 880, यानी कि जो लेंथ होगी पूरी ये कितनी होगी, 880। लेकिन अगर हम ट्रिम्ड साइज की लेंथ की बात करेंगे इसके अंदर, तो वो कितनी होगी, 841। ये है A1 के लिए लेंथ अनट्रिम्ड की, और ये है ट्रिम्ड की, तो ये हम कर सकते हैं इसको 841, स्टैंडर्ड है ये। और इसी तरह से जो विड्थ होगी इसकी, ये होगी 625, ये जो हमें दी गई है अनट्रिम्ड की, लेकिन कट करके हम इसको कितना कर सकते हैं, 594। तो इस तरह से ये हमें स्टैंडर्ड साइज हमारे पास होते हैं। तो A2, A3, A4, A5 ये शीट छोटी होती चली जाती है। जैसे A0 वाली जो शीट है सबसे बड़ी होती है, इसकी लेंथ और विड्थ से देख सकते हैं, अनट्रिम्ड की भी और ट्रिम्ड की भी। और जैसे जैसे आप A0 से A5 तक जाएंगे, तो ये जो है जो शीट जो है छोटी होती जाएगी बड़ी से। तो पहले सबसे बड़ी थी, फिर छोटी 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 होती चली जाएगी। तो ये शीट साइजेस कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि यही जो ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड था, जैसे मान लीजिए हमने अनट्रिम्ड शीट साइज लिया और ट्रिम्ड शीट साइज लिया, तो मार्जिन क्या होता है, यही मार्जिन होता है जो अनट्रिम्ड शीट साइज के और ट्रिम साइज के बीच में होता है। तो ये क्या है, अनट्रिम शीट है, और ये क्या है हमारे पास, ये ट्रिम करके आई, ये ट्रिम है। तो ये जो है इसके बीच का, ये जो है ये सारा जो है मार्जिन होता है, ये जो सारा है मार्जिन है, ताकि अगर इसके कॉर्नर या एजेस खराब होते हैं आप उसको कट कर सके। ये जो बीच वाली शीट है ये ट्रिम्ड साइज होता है। इसकी लेंथ को हम देख सकते हैं, मान लीजिए वही जो हमने एग्जांपल लिया था, मान लीजिए आप A1 शीट साइज ले रहे हैं, तो इसकी लेंथ कितनी थी, जो अनट्रिम्ड थी वो 880 थी A1 के लिए। और अगर हम ट्रिम करें उसको, यानी कि ये ट्रिम्ड साइज होगा शीट का, वो कितना होगा, वो होगा 841। तो ये हमने देखा था ये 841 था। इसी तरह से अगर इसकी विड्थ की बात करें, ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड की, तो वो कितना होगा, ये अनट्रिम्ड के लिए 625 था, MM में है सारा, और ये जो है हमारे पास 594 था, ये 594 था ट्रिम्ड के लिए। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में ये जो प्रोवाइड किया जाता है, मार्जिन प्रोवाइड किया जाता है, ये मार्जिन है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, मार्जिन है, जिसको हम कट कर सकते हैं ताकि शीट जो है साफ सुथरी रहे, उसको हम स्टोर कर सके इजीली। यहाँ पर बीच में जो हमारे पास, हम चारों तरफ जो है लाइंस लगाते हैं,
इसको हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन। तो इसको भी समझ लेते हैं ये क्या होती है, बॉर्डर लाइन। ये जो बॉर्डर लाइन होती है, देखिए लेफ्ट में से इसको ज्यादा जो है स्पेस दिया जाता है। अगर हमें इसको कहीं पर रखना है, मान लीजिए इसके अंदर होल करके आप जो है फाइल के अंदर रख सकते हैं, बड़ी बड़ी फाइल्स होती हैं, तो लेफ्ट में ज्यादा स्पेस दिया जाता है। लेकिन अगर आपको इसी तरह से कहीं पे कैबिनेट में रखनी है, सीधी की सीधी शीट, कोई फाइलिंग नहीं करनी, तो चारों तरफ आप इक्वल स्पेस दे सकते हैं। ये समझ आई बात कि अगर आपको फाइलिंग करनी है तो लेफ्ट के अंदर ज्यादा स्पेस दिया जाता है। ये जो लेफ्ट वाली लाइन है, इस जो जो अनट्रिम्ड हमने शीट ली है, फिर ट्रिम्ड ली, और फिर ट्रिम्ड से हमने ये वर्किंग स्पेस बनाना है। तो ट्रिम्ड से लेकर जो ये जो यहाँ तक है, और ये क्या होगा, बॉर्डर हो जाएगा। तो ये जो है बॉर्डर लाइन हो गई, ये बॉर्डर लाइन हो गई। इसके अंदर आप ऐसा कह सकते हैं ये फ्रेम है जिसके अंदर क्लियर वर्किंग स्पेस है ड्राइंग के लिए हमारे पास। तो यहाँ पर भी कुछ स्टैंडर्ड आते हैं, जैसे ए नोट ए वन के लिए, ए नोट के लिए, ए वन के लिए ये जो बॉर्डर लाइन लगाई जाती है ये 20 mm पर लगाई जाती है। ये 20 mm होगा, यानी कि ये जो इस ट्रिम्ड शीट थी जो, वहां से हम 20 mm लगा लेंगे चारों तरफ। अगर आपको यहाँ फाइलिंग नहीं करनी है, अगर फाइलिंग करनी है तो यहाँ पर ज्यादा स्पेस देंगे 30 mm या 40 mm का। तो अगर हम इस तरह से रखना चाहते हैं तो, यानी कि कोई फाइलिंग नहीं करनी, तो चारों तरफ 20 mm का ही स्पेस देंगे। तो ए नोट और ए वन के लिए जो शीट साइज होता है, तो इतने बॉर्डर जो है mm का लगाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें ए टू ए थ्री ए फोर, इनके लिए अगर हम बात करें तो ये 10 mm का ही होता है। 10 mm का ये जो है स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो शीट साइज हमने देखा, मार्जिन देखा जो अनट्रिम्ड और ट्रिम्ड शीट के बीच में होता है, बॉर्डर लाइन देखी कि ट्रिम्ड शीट से फिर हम बॉर्डर लाइन को ड्रा करते हैं, तो ये एक क्लियर स्पेस हमें मिलता है, फ्रेम भी बोलते हैं इसको, जिसके अंदर हम ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। ये ए नोट ए वन के लिए कितना था, ये 20 mm का। अगर स्टैंडर्ड देखें ए टू ए थ्री ए फोर के लिए कितना है, 10 mm का, ये जो आप बॉर्डर लाइन लगाते हैं। ये भी हमने देखा लेफ्ट में स्पेस ज्यादा क्यों रखते हैं, अगर फाइलिंग करनी है बराबर रख सकते हैं, अगर फाइलिंग नहीं करनी। आगे बात करते हैं जो मेन टॉपिक है, टाइटल ब्लॉक। अब ये टाइटल ब्लॉक जो है हर एक ड्राइंग शीट के अंदर बनाया जाता है। तो इसके अंदर जो है ड्राइंग से रिलेटेड सारी पर्टिकुलर्स डिटेल होती हैं, ऐसा कह लीजिए। तो ये कहाँ पर बनाया होता है, जैसे मान लीजिए शीट है हमारे पास, कोई भी शीट आप ले सकते हैं, तो सबसे ये राइट हैंड साइड में बनाया जाता है। जब आप बॉर्डर लाइन वगैरह लगा लेंगे फिर जो है आपको ये बनाना है। तो ध्यान रखना है कि ये शीट है और ये बॉर्डर लाइन हम मान रहे हैं, और बॉर्डर लाइन के ऊपर हम इसको बनाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हम इसको बनाते हैं। जो स्टैंडर्ड साइज है वो होता है हमारे पास 185x65 का, यानी कि जो लेंथ है इसकी ये जो है 185 होगी, और जो विड्थ है इसकी वो कितनी होगी, वो होगी 65। तो 185x65 का ये हमारे पास होता है। सबसे पहले तो हम ये एक रेक्टेंगल ही बना लेंगे, लेंथ 185 लेंगे, विड्थ 65 लेंगे, और एक इस तरह का एक डिब्बा बना लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 20 mm की एक लाइन लगा लेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 mm, सारे जो है mm में है, तो जो भी हम लिखेंगे, तो 20 mm दूर हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये लाइन हमने लगा ली। इसी तरह से यहाँ पर 55 mm की एक लाइन लगा लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लगाएंगे 55 mm की, ये ब्लॉक हमने बना लिया। फिर 20 mm नीचे से एक लाइन लगाई, 55 mm यहाँ से हमने एक लाइन लगा दी, ऊपर से नीचे तक इस तरह से आएगी। और यहाँ पर ऊपर 10 mm की पहली लाइन लगाएंगे, तो पहली लाइन हमने लगाई 10 mm की। उसके बाद 7-7 mm के हम यहाँ पर ब्लॉक बना लेंगे। कितने ब्लॉक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 सात के हैं, और एक 10 mm का है। तो ये सारे क्या हैं, 7 mm के ब्लॉक हैं। ये जो है इनकी जो विड्थ है 7 mm की है, यानी कि अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे तो 7 5 35 और 10, ये कितने का हो गया, 45 mm का। यहाँ से लेकर 45 हो गया, नीचे कितना था 25, यानी कि 45 + 20 कितना हो गया, 65। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं आसानी से, ताकि हम सब कुछ सारे पर्टिकुलर्स के अंदर लिख सके। तो यहाँ पर 20 mm के ऊपर हमने 45 को इस तरह से डिवाइड किया, 10 mm ऊपर, 7 7 7 7 7 के 5 हमने इस तरह से डिब्बे बना लिए, और ये टोटल है 55। उसके बाद हम यहाँ पर 25 mm दूर, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लेंगे 25 mm दूर एक लाइन लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी हम दो लाइंस लगा लेंगे,
ये जो होगी दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये होगी हमारे पास 20 mm की। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी, ये 25 की होगी, और बाकी का कितना बचा, 10 mm। टोटल कितना था, 55, तो यहाँ पर 20 लेंगे, फिर 25 लेंगे और 10 लेंगे। तो इस तरह से तीन डिब्बे हमें बना लेने हैं। 55 को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर 45 mm को हमने डिवाइड किया था छह हिस्सों के अंदर, एक 10 का था mm का, और पांच जो थे 7 mm के थे। उसके बाद यहाँ पर जो आएगा नेम ऑफ द फर्म या फिर कॉलेज आएगा, जो ये इतना वर्किंग स्पेस हमें दिया है, और ये भी हमें प्रॉपर लाइंस के बीच में बनाना है। वो फ्री हैंड स्केचिंग हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम ये लिखते हैं। तो जो है आपको लगभग जो 10 mm का ये स्पेस देना है दो लाइन के बीच में, और वहां पर क्लियरली लिखना है और साफ साफ लिखना है इसको। फ्री हैंड स्केचिंग यहाँ पर करनी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो करते हैं। अभी सिर्फ टाइटल ब्लॉक के बारे में जान रहे हैं कि उसके अंदर कौन कौन से पर्टिकुलर होते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर नेम ऑफ द फर्म या फिर कॉलेज आ जाएगा, यहाँ पर स्केल आ जाएगा। स्केल जो कि हमने यूज किया है इस ड्राइंग को बनाने के लिए, मेनली हम 1:1 का ही यूज करते हैं, यानी कि जितनी हमें डायमेंशन दी गई है उतनी ही हमने शीट के अंदर ली है जो भी हम यहाँ पर ड्राइंग करेंगे। या फिर आप इसको रिड्यूस स्केल पे भी बना सकते हैं, 1:2, यानी कि जितनी आपको डायमेंशन दी है उसकी आधी ली है। इसी तरह से 2:1 में भी बना सकते हैं, अगर छोटी ड्राइंग साइज है, छोटी डायमेंशन दी गई है, तो आप उसको दुगना कर सकते हैं। तो वैसे जो है 1:1 में ही, 1:1 में ही हम इसको बनाते हैं। तो ये स्केल होता है, ये रिड्यूसिंग भी हो सकता है, एनलार्जिंग भी हो सकता है। और यहाँ पर हम बनाएंगे जो सिंबल है फर्स्ट एंगल का या थर्ड एंगल में, जो भी ड्राइंग आपने बनाई है। तो अब देखिए ये जो लाइन हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का जो गैप रहेगा ये 10 mm का रहेगा। 10 mm ऊपर एक लाइन लगाएंगे, ऊपर स्केल आ जाएगा क्योंकि ये टोटल थी 20, तो यहाँ पर हमने 10 और 10 का इसको डिवाइड कर देना है। ये भी 10 का है, ऊपर 10 में स्केल आ जाएगा, और नीचे जो आ जाएगा ये फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल का सिंबल जिसमें भी आपने ड्राइंग बनाई है वो यहाँ पर आएगा सिंबल। उसके बाद टाइटल क्या है ड्राइंग का, जैसे मान लीजिए आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, पॉइंट का क्वेश्चन है या फिर लाइन का क्वेश्चन है, सरफेसेस का क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो यहाँ पर टाइटल ऑफ द ड्राइंग आएगा। यहाँ पर ड्राइंग नंबर आएगा, जैसे पॉइंट के क्वेश्चन की आपने पहली शीट पहले बना रखी है तो यहाँ पर ये दूसरा नंबर आ गया, दो बना रखी है तो तीसरा नंबर आ गया। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू कितनी शीट आप बना चुके हैं तो वो आएगा। यहाँ पर नेम और डेट आती है। अगर हम बात करें जो कंपनीज की बात करें, पहले उसके लिए देख लेते हैं कि क्या क्या आता है उसमें, कॉलेजेस के लिए या फिर हम जो डिप्लोमा कॉलेज हो गए, जो भी ITI कॉलेज हो गए या BTech कॉलेज हो गए, वहां पर अलग तरह का हम इसको नाम देते हैं क्योंकि वहां तो नेम रोल नंबर वगैरह आते हैं। लेकिन एक फर्म के अंदर क्या क्या यहाँ पर होता है नेम और डेट के साथ, कि किसने उसको डिजाइन किया है, उसका नाम और कब डिजाइन किया गया है, उस डेट को ड्रॉ किसके द्वारा किया गया है, तो वो आता है यहाँ पर नाम और डेट। चेक किसके द्वारा किया गया है, स्टैंडर्ड क्या उसके अंदर रखे गए हैं, अप्रूव जो है किसके द्वारा किस डेट को की गई है, तो ये तो एक फर्म के अंदर आते हैं। लेकिन अगर हम कॉलेजेस के अंदर बनाते हैं तो उसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो कॉलेजेस के लिए क्या होता है कि हम ये जो है डिब्बे इस तरह के नहीं बनाते, या आप बना भी सकते हैं, वो अंदर का फॉर्मेट ये चेंज हो सकता है कि आपको क्या लिखना है, यहाँ पर ये थोड़े साइजेस चेंज हो जाते हैं, लेकिन अगर पूरे की बात करें वो इतना ही रहता है 185x65। लेकिन अंदर का फॉर्मेट जो है अकॉर्डिंग टू टीचर जो जिस तरह से आपसे बनवाना चाहे वो बनवा सकता है। यहाँ पर इस तरह से भी आपका मान लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट, चेकड बाय, ये चीजें आ सकती हैं। या फिर जैसे 45 mm है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर सिर्फ आप 5 ब्लॉक ही बना लें सीधे, जैसे ये डिब्बे बनाने की जरूरत नहीं, सीधे बना लें। यहाँ पर इस तरह से देखिए, मान लीजिए 1 ये हो गया, फिर 2, 3, 4, 5 इस तरह से बना लें, और ये जो है सीधे ही हम बना लेते हैं, इनके बीच में इस तरह की लाइनें नहीं लगाते जिसके अंदर हम नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट, चेकड बाय, तो इस तरह से जो है सारी चीजें डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 9 9 mm के बना लें, ये क्या है 9 9 mm के ही रख लें। तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45, तो सीधा 45 जो है 9 9 mm के ब्लॉक बना सकते हैं। या फिर इस तरह से भी हो सकता है कि ये 7 7 mm के और 10 mm का भी रह सकता है, वो अकॉर्डिंग टू टीचर है कि वो कोई भी फॉर्मेट इसके अंदर आपके थ्रू चेंज करवा सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो यही रहता है। तो ये ध्यान से जो भी ब्लॉक बनाने हैं बस हमें ये डायमेंशन जरूर पूरी करनी है कि जैसे 45 mm है तो कितने कितने एमएम के हम लें और कितने ब्लॉक हम बनाएं, ताकि पूरे पर्टिकुलर्स जो हैं वो शीट से रिलेटेड उसके अंदर आ सके। तो
तो ये था हमारा शीट साइज, मार्जिन, बॉर्डर लाइन और टाइटल ब्लॉक। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।